हरी बोल, हरी हरी बोल। फ्रेंड्स, मैं उषा वालिया देहरादून से, और मैं अपनी बेटी शिवाली कालरा के माध्यम से किरण छाबड़ा जी के ग्रुप में, सत्संग ग्रुप में 12/6/2021 में ऐड हुई थी। फ्रेंड्स, मैंने सत्संग में जुड़कर प्रतिदिन नित्य सत्संग सुनना प्रारंभ किया। सत्संग सुनने से मेरे को बहुत आनंद आना शुरू हुआ, और क्योंकि ग्रुप में सत्संग के अलावा हमें और भी बहुत सारे आध्यात्मिक और धार्मिक टॉपिक्स के ऊपर बताया जाता था, तो जिसको सुनकर बहुत आनंद आता था और हमारा ज्ञानवर्धन भी होता था। तो फ्रेंड्स, मेरे जीवन में तभी परिवर्तन शुरू हुआ, और मैंने अपनी साधना के साथ साथ मैंने अपनी माला मंत्र जाप भी बढ़ाया, और मैंने कृष्ण महामंत्र का जाप करना प्रारंभ किया, और उससे मुझे इतना आनंद आने लगा कि मैं बहुत खुश रहने लगी, और मैं मेरी साधना भी निरंतर बढ़ रही थी और मेरा जाप भी बढ़ रहा था। तो फ्रेंड्स, मैंने कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में सम्मिलित किया और बहुत आनंद का अनुभव किया। तो मैंने महसूस किया, मेरी जो समझ में आया कि छोटा सा कृष्ण महामंत्र अपने आप में बहुत विशेष और शक्ति प्रदान करने वाला है, और छोटा सा प्यारा सा कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और इस मंत्र के जाप से हमारे अंदर इच्छा शक्ति का दृढ़ होती है, और मैंने महसूस किया है कि हमारा मानसिक बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास भी होता है। और फ्रेंड्स, जब हम माला लेके अपने मंत्र का जाप करते हैं तो एक एक मोती से श्री कृष्ण नाम का जाप जब हमारे अंदर हृदय पटल पर उतरता है ना, तो हमारी बहुत आनंद आता है, और मैंने महसूस किया है कि हमारा ज्ञान भी वर्धन होता है और हमें बहुत सारी डिवोशनल छोटी छोटी अनुभूतियां भी होती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि गोलोक हमें ये सिखाता है कि आप जहाँ भी जुड़े हैं और जो भी स्वरूप आपको अच्छा लगता है, आपका जिस परमात्मा के प्रति आस्था बनती है, आप वो कीजिए। और मैं आप लोगों से अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगी कि आप श्री कृष्ण महामंत्र को और श्री कृष्णा को अपने साथ ऐड कीजिए। आप महसूस करेंगे जो आप पहले कर रहे थे, और अब आपने श्री कृष्णा जी को अपने साथ ऐड किया और श्री कृष्ण महामंत्र का अभ्यास किया, तो आप महसूस करेंगे कि आप पॉजिटिव होते जा रहे हैं और नेगेटिविटी आपकी लाइफ से बहुत दूर होती चली जा रही है। तो इस तरह से पॉजिटिविटी का आपके हृदय अंतर में प्रवेश होगा, तो आप खुश भी रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगी कि बहुत सुंदर सा कृष्ण महामंत्र है, आप भी इसका आनंद लीजिए। और क्योंकि मैं तो ये महसूस करती हूँ कि मैंने गोलोक एक्सप्रेस में आकर वास्तव में मुझे धार्मिक और आध्यात्मिक, है ना, धार्मिक और आध्यात्मिक चीजों का वास्तव में मेरा परिचय गोलोक एक्सप्रेस में आके हुआ। लेकिन अब हमें आके समझ में आया कि हम बहुत सरलता से अपनी सुविधा के ही अनुसार हम किस तरह से परमात्मा को हर समय हर पल अपने साथ महसूस कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से फ्रेंड्स ये कहना चाहूंगी कि गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए।
न शस्त्र पर न शास्त्र पर न धन पर न ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।